छोटा जो होने लगा है। कॉर्बेट से निकलकर बाघ लैंडस्केप एरिया में जा रहे हैं, नतीजतन बाघ घात लगाए शिकारी की बंदूक का शिकार हो जाते हैं या सीमा से लगे गांव में जानवरों का शिकार करते हैं और गांव वालों के द्वारा हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में वन्य प्रेमी भी चिंतित हैं कि बाघ पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बाघ सुरक्षित रहेंगे तो जंगल सुरक्षित रहेंगे, जल और वायु सुरक्षित रहेंगे। 29 जुलाई का जो दिन है वो बाघ संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और मेरी समझ से ये एक अच्छी पहल तो है, क्योंकि आज जो है बाघ खत्म हो रहे हैं। बाघ बचेंगे तो हमारे जंगल बचेंगे और जंगल बचेंगे तो हम सबकी जो वन संपदा है वो चाहे वो स्वच्छ जल के रूप में ले लीजिए, चाहे स्वच्छ वायु के रूप में ले लीजिए, उसको अंततोगत्वा लाभ हमें ही मिलना है उसका। भारतीय संस्थान WII की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई है। WII की रिपोर्ट के मुताबिक बाघ कॉर्बेट के जंगलों से निकलकर लैंडस्केप एरिया में जा रहे हैं। ये बाघ लैंसडाउन से लेकर राजाजी नेशनल पार्क और रामनगर डिवीजन तराई पश्चिम वन प्रभाग से होते हुए हल्द्वानी वन प्रभाग का भ्रमण कर रहे हैं और जो जंगल उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं बाघ वहां तक घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। गणित भी समझ लीजिए, बात थोड़ी आसान हो जाएगी। यदि पार्क का एक बाघ 150 वर्ग किलोमीटर का भ्रमण कर रहा है तो इसका मतलब है बाघों के लिए एरिया कम पड़ चुका है। टाइगर सुरक्षित रहे इसके लिए पैसा भी आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या इन पैसों का सही सही इस्तेमाल हो रहा है? कॉर्बेट में एनफोर्समेंट है, जैसे फंडिंग सपोर्ट है कॉर्बेट में, और जिस मात्रा में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है कॉर्बेट में, उस हिसाब से कॉर्बेट के चारों तरफ जो है जहां पे कॉर्बेट की तरह ही टाइगर मौजूद है वहां पे नहीं है। टाइगर को बचाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार और प्रशासन जो नीतियां बना रहा है, जितना पैसा भेज रहा है, उस पर लगातार नजर भी बना के रखे, वरना इतिहास गवाह है कि टाइगरों की संख्या जितनी धीमी गति से बढ़ती है उससे कहीं तेज गति से इनकी संख्या घट भी सकती है। नसीम खान, रामनगर, समाचार प्लस। समझने वाली बात यह भी है कि क्या बाघों की संख्या बढ़ने से जो हालात बदले हैं, उन बदले हुए हालातों में वन विभाग ने अपनी प्लानिंग में बदलाव किया है, क्या सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है? क्योंकि टाइगर्स की संख्या बढ़ने के बाद इस बात पर ही जोर देना बहुत जरूरी है कि वन विभाग और सरकार टाइगर्स के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए और स्थानीय लोगों को भी कोई दिक्कत न हो। जिस विभाग की जड़ें मजबूत होती हैं, जमीनी स्तर पर काम भी वहां मुस्तैदी के साथ होता है, लेकिन जहां कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े वहां फिर ड्यूटी के दौरान जमकर लापरवाही होती है या फिर जो फैसले जल्द से जल्द ले लेने चाहिए उनमें देरी होती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक के मुताबिक जंगलों के किनारे जो ग्रामीण बसे हैं उनको भी बाघ बचाने की मुहिम से जोड़ना होगा। डेली बेस पर कार्य कर रहे वन कर्मियों को समय से वेतन देना होगा और भत्तों में इजाफा भी करना होगा। इसमें जो प्रयास हो रहा है वो है कि जो ग्रामीण है उनको जैसे कोई मतलब आतंक होता है तो वो ये प्रॉब्लम हमको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ग्रामीण को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक वो शेर भी बचना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कई स्कीमें हैं कि ग्रामीण लोगों को हमको एसोसिएट भी करना है, अपने जो जो नए ये एसटीएफ बनेगा उसमें इन लोगों का भाग होगा। वन विभाग के मुख्य वन्य जीव संरक्षक की माने तो बाघों को बचाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बाघों की सुरक्षा के लिए रात में भी गश्त की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास के डिवीजनों को भी जोड़ा गया है। NTCA की मदद से एक्स सर्विसमैन और पैरामिलिट्री के जवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को लेकर भी तैयारी चल रही है। राज्य नेशनल पार्क के डिवीजन है उनको भी जोड़ दिया है, उनमें भी NTCA से पैसा लेंगे और उसमें हम एक्स सर्विसमैन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, उनको हम उनकी प्रोटेक्शन फोर्स बनाएंगे। तो इस सब पूरे लैंडस्केप पे हम पेट्रोलिंग करेंगे। वन विभाग बाघों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाने की बात कह रहा है उनको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना होगा, और अगर अब भी वन विभाग बेपरवाह और लापरवाही बरतता है तो फिर ग्लोबल टाइगर डे सिर्फ एक डे बनकर रह जाएगा
और नए सवेरे के साथ टाइगर अपनी सीमाओं को लांघकर फिर से खतरे की जद में घिर जाएगा। नसीम खान, रामनगर, समाचार प्लस। तो समाचार प्लस की भी यही अपील है, सेव द टाइगर। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं। से दो महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी।